नमस्कार YouTube, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, एक वीडियो जो आप देख रहे हैं मेरी लाइव क्लासेस की वीडियोज है। गो टू मीटिंग के माध्यम से सुबह हम 7 बजे की क्लास ले रहे हैं। लाइव क्लासेज है, लाइव इंटरेक्टिव 1-to-1 क्लासेज हम ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास 2-3 बंदे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से हैं, ज्वाइन करके वीवी माइक्रो की ट्रेनिंग ले रहे हैं। भूपेश जी हैं, सुधांशु सिंह जी हैं। तो आप भी देखिए किस तरह से हम ऑनलाइन क्लास देते हैं, लाइव होता है, इंटरेक्टिव होता है और सारे डाउट सारे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। और आप भी चाहते हो डेमो क्लास लेना तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके डेमो क्लास का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो। और साथ में अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रुपेश जी, सुधांशु जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेसिकली आज इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में फंक्शंस। जी हां, हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं फंक्शंस। फंक्शंस मतलब कि फॉर्मूले। लास्ट क्लासेस में हमने आपको फॉर्मूले के बारे में समझाया था कि क्या होता है, और कुछ एग्जांपल बताए थे, डिक्लेरेशन बताया था, कैलकुलेशन बताया था, और हमने उसको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो भी आपको हमने बताया था। तो चलिए आज हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और हम इसी में आगे पढ़ेंगे कि किस तरह के फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस की रूल्स पे। जैसे कि मेरे पास यहां पे क्वार्टर वन है एंड क्वार्टर टू है। क्वार्टर वन की मान लीजिए 50 सेल है, क्वार्टर टू 60 सेल है, मुझे इस पे ग्रोथ निकालना है। हम पहले फंक्शन बनाते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बिहाफ पे कि क्वार्टर वन पे हमारा 50 सेल है, क्वार्टर टू पे 60 सेल है, ग्रोथ क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक्सेल का फॉर्मूला है, एक्सेल की कैलकुलेशन है कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, वो परसेंटेज निकल जाता है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये कैलकुलेशन हमेशा मुझे या मेरे कलीग को याद नहीं रहती है। एक्सेल फंक्शन, एक्सेल के लिए फंक्शन बनाने का क्या नियम है बता देता हूँ कि याद नहीं रहती है, हमेशा कैलकुलेशन को भूल जाता है। छोटी सी कैलकुलेशन फिर भी हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, डेवलपर में गए, विजुअल बेसिक पे गया, एक मॉड्यूल्स इंसर्ट करता हूँ। फंक्शन हमेशा मॉड्यूल से बनेगा। फंक्शंस के बाद इस पर हम डालते हैं नज़र माइक्रो के नेम पे। तो हमने GR नाम का माइक्रो बनाया। इसके बाद इनपुट्स की फॉर्म, फंक्शन फॉर्मूला जो बना रहा है उसमें इनपुट क्या होगा, क्वार्टर वन क्वार्टर टू। तो हमने यहां पे Q1 एज ए लॉन्ग या जो भी नंबर टाइप हो सकता है वो डिफाइन कर लीजिए, और उसके बाद Q2 एज ए ऑल्सो लॉन्ग, और उसके बाद इसके अंदर में हम कैलकुलेशन करेंगे। तो डिम आर एज ए डबल, क्योंकि परसेंटेज का मामला है तो डेसिमल हो सकता है, इसलिए हमने डबल डिफाइन किया। और आर इक्वल टू हमने बोला लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट, मतलब कि Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q1। उसके बाद हम GR के ऊपर इसको असाइन कर देते हैं, GR इक्वल टू रिटर्न होगा। अब मैं यहां पे GR को ले गया, यहां पे हमने Q1 Q2 दे दिया, एंटर मार, रिजल्ट आ गया। ठीक है,
परसेंटेज सिंबल अप्लाई कर लीजिए, 20% आ जाएगा। या फिर चलिए एक और हम फॉर्मूला अपनाते हैं, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास ऑलरेडी एफबी का फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू का, लेकिन क्या है कि उसकी कैलकुलेशन पे मुझे बिलीव नहीं है, इसलिए मैं खुद का कैलकुलेशन करता हूँ, खुद का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता हूँ कि पी मल्टीप्लाई बाई वन प्लस आर डिवाइड बाई एन पावर ऑफ आर मल्टीप्लाई बाई टी, जो मैथमेटिकल रूल है वो रेट हो गया 8% और टी हो गया हमारा 10 ईयर्स। अब मुझे इस पे अमाउंट निकालना है, तो इसके लिए हम याद होगा मैंने जब एक्सेल पढ़ाया था तो उस समय इसकी लंबी सारी कैलकुलेशन पढ़ाई थी, लेकिन इसी लंबी सारी कैलकुलेशंस को हम बीवीए फंक्शंस में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो यहां पे आएंगे हम लिखेंगे फंक्शंस, हमने दे दिया अमाउंट, अमाउंट निकालना है तो हमने अमाउंट डाला और इसमें पी एज ए हमने डाला लॉन्ग और आर एज ए डबल, क्योंकि डेसिमल्स में है तो डबल डालना लाजमी है, और फिर टी एज ए इसको हम इंटीजर भी दे सकते हैं क्योंकि ये साल में है तो 32,000 साल से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए डाला जो डाल दीजिए। फिर यहां पे डिम ए एज ए डबल, क्योंकि कैलकुलेशन में आ सकते हैं, इसलिए अब कैलकुलेशन करता है कि ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर डिवाइड बाय एन मतलब 12 पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई 12 मतलब एन और इस सब को ब्रैकेट में लेना है। दिस इज द कैलकुलेशन कि पी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन मतलब कि 12 मंथली है इसलिए, या क्वार्टरली होगा तो 4 डलेगा, हाफ ईयरली होगा तो 2 डलेगा, पावर ऑफ, ये पावर का सिंबल दिख रहा है आपको यहाँ पे जो है ये पावर का सिंबल है, पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई 2n और उसके बाद फाइनली अब जैसे कि अमाउंट हम डालते हैं कि अमाउंट इक्वल टू ए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लगाता हूँ, 50,000 सेलेक्ट किया तो पी पे स्टोर हो गया 8%, आर पे स्टोर हो गया और ए 10 जो है टी पे स्टोर हो गया और रिजल्ट हमारे पास आ गया 110,982। अब देखना है कि रिजल्ट डेसिमल्स में है कि नहीं है, जी हाँ रिजल्ट हमारा डेसिमल्स में है, तो मैं चाहता हूँ कि डेसिमल्स में रिजल्ट ना रहे, हमने इसको यहाँ से हटा दिया तो डेसिमल प्लेस हटा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि डेसिमल नहीं है, डेसिमल विजुअल नहीं है लेकिन एक्चुअल में डेसिमल है, तो वी वांट टू रिमूव द डेसिमल्स, तो इसके लिए हम एक कर सकते हैं कि जो हमने ए डिफाइन किया है इसको मैं लॉन्ग कर सकता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए हम ए नहीं कर सकते, तो क्यों ना यहाँ पे फंक्शन का रिटर्न टाइप भी लॉन्ग कर देते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन का रिटर्न टाइम अमाउंट का अमाउंट इज ऑल्सो द वेरिएबल, तो अमाउंट का कैरी का जो टाइप है जो कास्ट है हमने लॉन्ग कर दिया, तो एक अमाउंट क्या है कि ये डेसिमल्स अब एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, जब भी अगर वैल्यू डालेगी तो डेसिमल्स को रिमूव कर देगा, ठीक है। रुपेश जी है, सुधांशु जी, कोई डाउट इसमें आप लोगों को? नहीं होने चाहिए, चलिए आगे बढ़े। नहीं सर। उपेंद्र जी आगे बढ़े। यस सर। आपकी आवाज भी स्लो आ रही है, लग रहा है सुबह नाश्ता नहीं किया आपने। नहीं सर अभी तक। अब चलिए एक लास्ट बताते हैं एमआरपी का, मुझे एमआरपी का फॉर्मूला लगाना है, हमारे पास कॉस्ट है, कॉस्ट मान लीजिए 50 रुपीज है, मुझे एमआरपी चाहिए, मतलब कि 5% जो है मैन्युफैक्चरर लेता है, 10% डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, 15% कंज्यूमर क्या बोलते हैं होलसेलर लेता है और 20% रिटेलर लेता है, वो अपने प्राइजेस के, मतलब कि 50 का 5% 50 में ऐड करेगा,
50 में ऐड करेगा और ये बेचेगा डिस्ट्रीब्यूटर को। फिर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा कि अपने खरीद का 10% ऐड करेगा अपने खरीद अमाउंट में, फिर वो होलसेलर को बेचेगा। होलसेलर क्या करेगा कि अपने अकाउंट से 15% निकालेगा और फिर उसके अपने खरीद में ऐड करेगा और फिर उसको बेचेगा आगे डिस्ट्रीब्यूटर, इसको रिटेलर को। रिटेलर क्या करेगा कि अपने खरीद में से 20% मार्जिन लेगा और फिर उसमें ऐड करेगा और बेचेगा रिटेलर। तो 50 रुपये की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के समान बिकेगी 79 रुपीज में। अब यही कैलकुलेशन निकालना है, तो चलिए इस कैलकुलेशंस के लिए हम वीवीए की मदद लेते हैं। हम देते हैं यहाँ पे फंक्शंस, और फंक्शंस में हम फॉर्मूला देते हैं एमआरपी का ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हम देते हैं कॉस्ट सी एज ए लॉन्ग, और कुछ है डालने को है नहीं। अगर आपको चाहते हो कि जो परसेंटेज है वो हम भी अपने हिसाब से डालें तो परसेंटेज भी यहाँ के लिए वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ भी किया, लेकिन फिलहाल मेरे पास फिक्स है। और डिम आर आर फॉर रिजल्ट एज ए हमने बोल दिया डबल, क्योंकि डेसिमल हो सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन परसेंटेज की है। तो आर इक्वल टू हमने सी कर दिया, फिर आर इक्वल टू आर प्लस आर का। अब देखिए वीवीए में अगर परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज सिंबल नहीं डाल सकते, एरर होगा। तो उस परसेंटेज वाली वैल्यू को डिवाइड बाय 100 करके आप डाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट डाल दो, जो मैंने डाला है 0.05। अब इसी को कॉपी करके 10% 15% 20%, बस हमें परसेंटेज को चेंज करना है, 10% 15% एंड 20%। एक्सेल में हमने 25 हो गया 20%। एक्सेल में हमने बहुत लंबी कैलकुलेशन की थी, लेकिन यहाँ देखिए कितना सिंपल है। तो एम आर पी इक्वल टू आर, और यहाँ एम आर पी का डिफाइन कर दिया एज ए लॉन्ग। अब यहाँ पे आप इक्वल एम आर पी इसको सेलेक्ट किया, और इसको माफ कीजिएगा हम गलत सेलेक्ट कर दिया एम आर पी, हमने इसको सेलेक्ट किया और रिजल्ट आ गया 80 रुपये। तो दिस इज फंक्शन विथ वीवीए फंक्शन विथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैं चाहता हूँ, ये मेल कर देता हूँ आपको, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ऐसी मुझे 15 से 20 मैथमेटिकल कैलकुलेशन बना के दें, हो जाएगा सर? पंद्रह से बीस मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो कि मैं आप लोगों से चाहता। एक कोड मैंने आपको मेल कर दिया और रिकॉर्डिंग्स कुछ देर में यूट्यूब पे चली आएगी, क्योंकि मैंने यूट्यूब के लिए इसको रिकॉर्ड कर लिया है, और आपके ड्राइव में भी थोड़ी देर में कन्वर्ट होकर चली जाएगी। कोई डाउट वगैरह है आप लोगों को, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ सर, हेलो पूछिए सुधांशु जी। सर वो आर इक्वल टू सी जो आपने किया था वो डायरेक्ट सी नहीं ले सकते, सी इक्वल टू जो भी बेसिकली क्या मल्टीप्लिकेशन है करना कि सी जो है वो फंक्शन के अंदर की कैलकुलेशन है, ठीक है ना, और फंक्शन के अंदर की कैलकुलेशन को बार बार हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि नीचे ओके चेंज सर हो रहा ठीक है ना, आर आर इक्वल टू 4-5 बार चेंज हो रहा है ना, इसलिए हमें लिया है। इनपुट को ओके कभी सर भी चेंज नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि आगे उसका यूज हो, समझे? ठीक है जी जी सर। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, बाकी को समझ नहीं आया होगा कि जैसे कि यहाँ एमआरपी है ना, सी जो है इनपुट है जो कि ले रहा है हमारा किससे, इससे, इससे ले रहा है, ठीक है ना। तो नीचे क्या है कि यहाँ पे सी इक्वल टू कर देंगे तो सी चेंज हो जाएगा, और जब भी फंक्शन के अंदर के एक ही चेंज होगा नहीं, अगर आप करते भी हो तो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमने स्टोर किया, ठीक है। सी पे जो इनपुट रहेगा वो आर पे स्टोर होगा, फिर आर इक्वल टू आगे कंटिन्यू चलेगा। हाँ आर चलेगा बाद में, फिर आर जो है एमआरपी को रिटर्न कर देगा जो कि रिजल्ट है।
ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय। तो दोस्तों देखा किस तरीके से अभी मैंने क्लास लिया, आप भी चाहो तो हमारी ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए बस आपको मेरी वेबसाइट ipt.india.com पे जाना है, वहाँ पे डेमो क्लासेस का फॉर्म भरना है। दो तीन क्लास डेमो लेके देखिए, ठीक लगा तो हम आगे ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट के जरिए पूछने के बजाय डायरेक्ट फोन भी कर सकते हो आप मुझे, क्योंकि कमेंट में हमेशा नहीं देखता। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए।